दोस्तों वेलकम है एक बार आपका फिर से दोपहर फूड्स में। आज हम बनाएंगे अफगानी वाइट चिकन। आइए देखें इसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट में ऐड करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और देखिए कितनी मज़ेदार डिश हम बनाएंगे आज। दोस्तों हमने यहाँ पे लिया एक फुल साइज चिकन और ये चिकन का वज़न 1 kg 500 ग्राम है, यानी 1.5 किलो की ये चिकन है और बड़ी ही फ्रेश और शानदार ये चिकन है। आगे वीडियो में आप देखोगे कि कैसे हम इनके छोटे छोटे पीस करते हैं दोस्तों। और साथ में लिए हैं 6 मीडियम साइज प्याज। प्याज की ऊपर वाली परत हमने हटा ली है। आगे इनको हम ग्रेनेट करेंगे, यानी इनको पेस्ट करेंगे। साथ में लिया है 1 अदरक का पीस, 5 लहसुन की पोथियाँ और ये लहसुन बिल्कुल देसी लहसुन है। साथ में लिया है अमूल बटर क्रीम, 100 ग्राम का ये पैकेट है और ये वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, क्वांटिटी में 100 ग्राम है ये। साथ में ली है 250 मिलीलीटर अमूल फ्रेश क्रीम। सौ ग्राम देसी घी, अमूल बटर के साथ देसी घी भी यूज करेंगे। 200 ग्राम हमने लिया है यहाँ पे दही। और दोस्तों अब हम प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में ये दिखाएंगे नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दोस्तों कुछ खड़े मसाले हमने यहाँ पे लिए हैं, 50 ग्राम काजू लिए, नमक 1 टेबल स्पून लिया, तेज पत्ता 2 से 3 पीस, छोटी इलायची 20 से 25 पीस और 1 टेबल स्पून जीरा लिया। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम चिकन के छोटे छोटे पीस करेंगे। दोस्तों ये रेसिपी अफगानी रेसिपी है, आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और बड़ी शानदार ये बनती है। बनाने के लिए इसमें थोड़ा अलग मटेरियल चाहिए जो आपको बताया था, काजू बटर अमूल फ्रेश क्रीम दही और इन सब का कॉम्बिनेशन से इसका मसाला बड़ा ही शानदार बनेगा। दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से मीडियम या बड़े भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इनके बिल्कुल छोटे पीस कीजिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे पैन लिया है और सबसे पहले पैन को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था और अब ऐड करेंगे देसी घी, क्योंकि देसी घी हमारा बहुत जल्दी ही गर्म हो जाएगा। तो इसके साथ में बटर भी हम डालेंगे यहाँ पे और बटर को भी साथ में गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों बटर को भी 2 से 3 मिनट तक हम गर्म करेंगे और लगातार इसको हिलाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इनमें ऐड करेंगे जीरा और तेज पत्ता, फिर 1 से 1.5 मिनट तक इनको पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है, इनका कलर भी बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाता है। और दोस्तों हमने जो 6 प्याज लिए थे उनका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ये रेसिपी जो भी डलेगा उसमें पेस्ट ही डलेगा। देखिए दोस्तों 6 प्याज का हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था और अब इनको थोड़ा हिलाएंगे और करीब 5 से 6 मिनट हम इनको पकाएंगे, क्योंकि हमारा प्याज का कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों करीब 5 मिनट हमने यहाँ पे पकाया और फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है, हमारे प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों अब इनमें ऐड करेंगे चिकन, क्योंकि सबसे पहले हमको चिकन को गलाना है, और साथ में ऐड करेंगे नमक और दोस्तों इनको अच्छे से मिक्स करेंगे।
और करीब 10 से 12 मिनट हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि चिकन अपना खुद का पानी भी रिलीज़ करता है। और बीच में आप ओपन करके देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों, बीच में हमने दो टाइम कवर को ओपन करके देखा था और चिकन को भी हमने देख लिया था कि गला या नहीं गला। ये देखिए दोस्तों, अब ऐड करेंगे जो अदरक बताया था उसका पेस्ट। अदरक से फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है। हम आपको राय यही देंगे कि आप अदरक ज़रूर ऐड कीजिए इसमें, साथ में लहसुन जो बताए थे, क्योंकि लहसुन ये पेस्ट हमारा ज़्यादा है तो लहसुन 5 पोथी के हिसाब से ही हमने इसमें ऐड किया है। और ये देखिए दोस्तों, जो इलायची बताई थी, इलायची का हमने क्रस्ट कर लिया था और खुरदुरा ये हो गया था। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि लहसुन और अदरक का जो पेस्ट डाला है उसको फिर हम पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट। ये देखिए दोस्तों, 5 से 6 मिनट हमने पका लिया था और यहाँ पे अदरक और लहसुन भी अच्छे से पक चुका है। आप ये ध्यान रखिए कि मसाला पेंदे में चिपके नहीं, तो आप बीच बीच में ओपन करके भी दे सकते हो। अब ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। और दोस्तों, ये क्वांटिटी में 100 ग्राम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा पैकेट यूज़ करके देखेंगे। अगर लगा हमको यहाँ पे थोड़ा तीखा ना हुआ तो लास्ट में भी हम इनको ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अब अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा पहले गल चुका था। यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे, क्योंकि ये सफ़ेद मिर्च ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में। और दोस्तों, करीब 5 मिनट पकाने के बाद में हमारा मसाला पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ग्रेवी चाहिए, तो हम इनमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे दही, साथ में ये काजू का पाउडर है, इसको भी हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब अमूल बटर क्रीम, और दोस्तों ये क्रीम 250 मिली है, तो अंदर भी इनमें थोड़ा रहता है, तो आप थोड़ा अंदर पानी डाल के बाकी अंदर जो क्रीम है वो भी आप इनमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हिला लीजिए ढक्कन बंद करके। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इनको भी आप ज़्यादा टाइम ना पकाइए, 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे इनको पका लीजिए, क्योंकि क्रीम जलने का डर रहता है। तो आप इनमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ग्रेवी के हिसाब से ही आप पानी ऐड कीजिए। और दोस्तों देखिए, ग्रेवी के हिसाब से हमने पानी ऐड कर लिया है। अब हम इनको करीब 6 से 7 मिनट फिर हम इनको पकाएंगे। और दोस्तों ये देखिए, हमारा अफगानी वाइट चिकन रेसिपी बनके तैयार है। आपको लगे यहाँ पे वाइट पेपर पाउडर कम है, तो आप इनको और ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा, बाकी जो पेपर पाउडर था वो भी हमने ऐड कर लिया था। और ये देखिए, बटर हमारा ऊपर आ गया है, और यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दोस्तों आप इसको चपाती, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। और अभी हमारा बटर चिकन बनके तैयार है। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।